एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय के आदेश शहर में सुबह करीब 9 बजे से बिजली सप्लाई बंद है, जिसका प्रमुख कारण बंदर बताए जा रहे हैं। जंगली इलाके के कुछ बंदर सीताबाबड़ी क्षेत्र में स्थित बिजली उपकेंद्र में घुस गए, जिसके बाद यहाँ पर लाइट को बंद कर दिया गया। बंदरों के घुसने की सूचना अधिकारियों को दी गई और वन अमले के द्वारा इन बंदरों को भगाने का प्रयास किया गया। शहर मेंटेनेंस प्रभारी सीपी चोपड़ा ने बताया कि उपकेंद्र में बंदरों के घुस जाने की जानकारी लगी थी, जिसके बाद बिजली सप्लाई को रोक दिया गया। वहीं वन विभाग से उनके द्वारा सहयोग भी मांगा गया और बंदरों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण से अब बिजली सप्लाई बंद है और कुछ ही देर में बहाल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। फेंक दो उस साइड नीचे उतारे आए। मुंडी में अलग अलग हो रही हूँ तो ऊके जो ये आगे बाद में के झाएगा ये कई बार मुंडी में अलग तक कौन निकलो की काज इतने भगा दे क्या बता के छोटा सा बता बच्चे बता ही बता रहे थे डंडा रहती रही थी कुछ है बता मैं से लेटा ना फोड़ दई तो मैं ना करा भाग जाऊं का ना का भगा जो बैठ भगा नीचे ही भगा ले पकड़ो